हाँ जी दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम फर्दर अब आगे बढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 5 में। और आज हम सिर्फ पॉइंट नंबर 5 ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, जो एक एनपीओ चैप्टर के क्वेश्चंस करने के लिए आपको पता होना चाहिए, उसकी रिवीजन होनी चाहिए, जरूरी है। तो ये सर स्टार्ट करते हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डालेंगे, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले मैं लिस्ट लिखवा देता हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पढ़ने हैं इस एनपीओ चैप्टर के अंदर, जो पता होना चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले है एंट्रेंस फीस, या एडमिशन फीस, दूसरा आ जाता है लाइफ मेंबरशिप फीस, तीसरा आ जाता है सब्सक्रिप्शन, फोर्थ आ जाता है स्पेशल रिसिप्ट, फिफ्थ आ जाता है डोनेशन, सिक्स आ जाता है लेगेसी, सेवंथ आ जाता है सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट मटेरियल, एट आ जाता है सेल ऑफ ओल्ड एसेट, नाइन आ जाता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, टेन आ जाता है ऑनोरियम, इलेवन आ जाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्वेल्व आ जाता है रिवेन्यू रिसिप्ट, थर्टीन आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और फोर्टीन आ जाता है कैपिटल रिसिप्ट। लो भैया उतार लीजिए। चलिए, तो हमारे पास टोटल 14 हमारे को सम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने हैं, और वो सारे के सारे आज ही क्लास में हम रिवाइज कर लेंगे। और रिवीजन किस तरीके से आएगा, इनका जो मतलब है मैं ओरली आपको एक्सप्लेन करूंगा, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो फास्टली हम इसके अंदर लिखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन सारी चीजों के लिए, ये पर्टिकुलर चीज के लिए जो हम यहाँ पर साइड में लिखा है, जो कि है ये वाला पर्टिकुलर पार्ट। सर ये क्या है? देखिए, ये आपके पास वो चीज है, ये वो ट्रांजेक्शन है, ये वो टर्म्स है जो आप ऑलरेडी अपने बेसिक की क्लास में पढ़ चुके हो। अब ये नहीं कह सकता सर मैंने अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटर में बेसिक पढ़ा ही नहीं, या फाउंडेशन में नहीं पढ़ा। भाई 11 से पढ़ते आ रहे हो कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बीकॉम में पढ़ा है, फाउंडेशन है, ये इंटर है, सब जगह पढ़ रहे हो। तो दोस्तों ये बेसिक पार्ट है जो आप हर जगह पढ़ चुके हो। इसकी अकाउंटिंग डेट में क्या रहेगी, देखिए जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो कहां पर आएगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा, ध्यान रखिएगा। जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो आएगा आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो डेबिट साइड में आता है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू रिसिप्ट है वो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। जो भी रेवेन्यू नेचर के आइटम्स होते हैं ना, ये चीज समझो, जो भी रेवेन्यू नेचर के आइटम्स होते हैं ना दोस्त, वो रेवेन्यू नेचर के आइटम होते हैं, वो ट्रांजेक्शन होती है जो ऑन अ रेगुलर बेसिस होती है कंपनी की, कंपनी उस चीज में डील करती है। लेट सपोज की रेवेन्यू रिसिप्ट मान लेते हैं, कंपनी का बिजनेस है गुड्स बनाकर बेचने का, मैं एक एनपीओ के अलावा कोई कंपनी ले रहा हूँ, गुड्स बनाकर बेचने का कंपनी का बिजनेस है। तो ऐसे केस के अंदर जो गुड्स बनाकर उसने बेचकर जो कमाया है वो उसका रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, जबकि कैपिटल रिसिप्ट जो होती है दोस्तों वो कभी कभी होती है, वंस इन अ व्हाइल होती है, ऐसा नहीं होगा कि हम रेगुलर बेसिस पर कैपिटल रिसिप्ट कमा रहे। मैंने लैंड बेच दी और लैंड बेचने पर मुझे पैसा आया, वो कैपिटल रिसिप्ट है। अब लैंड रोज रोज नहीं बेचूंगा ना, कोई मैं प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं हूं, अगर मैं प्रॉपर्टी डीलर होता तो लैंड बेचना मेरा रोजाना काम होता, तो वो लैंड बेचना मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है,
जिस चीज का आपका बिजनेस है, अगर वो चीज से आप इनकम कमा रहे हो, उस बिजनेस से आप इनकम कमा रहे हो, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। मतलब जो पैसा आता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। और जो वंस इन अ व्हाइल होती है, कभी कभी होती है, उसको कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। वहाले की डिटेल में मैं चर्चा कर चुका हूँ बेसिक क्लास के अंदर पेड लेक्चर में, और बाकी जगह भी आपने जो जो स्टूडेंट पेड में नहीं है उन्होंने कहीं और लिया होगा या कहीं पर 11th 12th पढ़ा होगा, उनको भी पता है कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है। ठीक है जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे है जो जिनका बेनिफिट हम मोर देन वन ईयर उठाते हैं, ज्यादातर ये एसेट्स जो होता है उस पर आता है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कहां पर आएगा, एसेट्स में आएंगे जितनी है। और जो रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट है वो कहां पर आती है, बेसिकली वो लायबिलिटी में आती है। अब मैंने ये चीज आपको क्यों बताई, पहले ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई कि जब भी मैं आपको ये 10 ट्रांजेक्शन पढ़ाऊंगा तो इस 10 ट्रांजेक्शन में आपको ये बताऊंगा कि कौन सी रेवेन्यू रिसिप्ट है, कौन सी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सी कैपिटल रिसिप्ट है। उसी बेसिस पर तो आप डालोगे ना कि कौन सी ट्रांजेक्शन इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड आने चाहिए, क्रेडिट साइड आने चाहिए, बैलेंस शीट की एसेट साइड या लायबिलिटी साइड आना चाहिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो इन 10 ट्रांजेक्शन के अंदर हम यही पढ़ने वाले आज की क्लास में कि भैया देखिए कौन सी ट्रांजेक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड आएगी या क्रेडिट साइड आएगी, लायबिलिटी में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगी या एसेट साइड आएगी, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो इनके कॉन्सेप्ट्स देखते हैं कि क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां पर आएगा, खर्चे, डेबिट साइड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू आइटम इनकम एक्सपेंडिचर, कैपिटल आइटम बैलेंस शीट में आएगा। अगर खर्चा है तो डेबिट साइड, अगर रिसिप्ट है तो क्रेडिट साइड इनकम एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स है, और कैपिटल रिसिप्ट आपकी लायबिलिटी होगी। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेन 10 ट्रांजेक्शन है जो आपको अलग से पढ़नी होती है एनपीओ में, ये तो आप बेसिक चीज होती है, ये आपको अलग से पढ़नी होती है, इनको देखते हैं एक बार। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंट्रेंस फीस की, एंट्रेंस फी या फिर एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस। अब ये क्या है एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस क्या है, जब भी कोई पर्सन एक एनपीओ का, एक एनजीओ का मेंबर बनता है, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब वो मेंबर बनता है तो उसको एंट्रेंस आने के लिए, मेंबरशिप बनने के लिए भाई मैं आपकी एनपीओ का मेंबर बनना चाहता हूँ, मैं आपके पास आया, मैंने आपको बोला मैं एनपीओ का मेंबर बनना चाहता हूँ, उन्होंने कहा बन जाओगे, कुछ पैसा आपको जमा कराना पड़ेगा एंट्रेंस या फिर एडमिशन के टाइम पर कि आप हमारे मेंबर बन रहे हो। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप स्कूल में जाते हो कहीं नई स्कूल में, तो स्कूल भी एक तरीके का एनपीओ ही कहलाता है। तो स्कूल, हालांकि आप वो स्कूल एनपीओ नहीं रहे, बट एज अ लॉ मेकर की बात करें, एज अ अकाउंटिंग में बात करें, तो स्कूल सारे क्या है, एनजीओ एनपीओ है, जो एक वेलफेयर का काम कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने का। आज के टाइम में 1-1 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, वो बात अलग है, बट क्योंकि स्कूल एक वेलफेयर का काम करता है। तो अगर मैं एज अ स्टूडेंट, आपकी कभी स्कूल में गए, हम कभी स्कूल में गए, तो हमने क्या करा, पहले हम नए स्कूल में जाते तो हम एडमिशन फीस देते हैं, और हर साल एडमिशन होता है नई क्लास में, तो हर साल हम ये फीस भरते हैं। तो क्या ये स्कूल के लिए क्या है, एक रेवेन्यू नेचर का आइटम है, क्यों, क्योंकि इनका ये ही काम है भाई, हर साल एडमिशन कराना बच्चों को और हर साल इनको रिसीव्ड करना। तो एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस वो होता है जब भी कोई पर्सन किसी एनपीओ का मेंबर बनता है, तो उसको वो एडमिशन के टाइम में, एंट्रेंस के टाइम पर देना होता है, और हर साल इसको देना होता है। आप स्कूल की बातें कर ले, जब भी आप फर्स्ट क्लास में थे तब आपने एडमिशन फीस भरी, आप सेकंड में गए फिर से आपका सेकंड में एडमिशन हुआ, फिर आपने एडमिशन फीस भरी, थर्ड में जाएंगे थर्ड में फिर से एडमिशन होगा, फिर एडमिशन फीस भरोगे। तो ये एक क्या है, एक रेगुलर नेचर का रेवेन्यू नेचर का आइटम है, जो एक स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि हम एनपीओ है, एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम स्कूल होते तो हमारे पास ये एडमिशन फीस हर साल आती, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, क्योंकि ये हर साल हमें आएगी। तो ये कहां पर जाएगा, ये जाएगा हमारा कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। बट कंडीशन ये, इसके अंदर कभी कभी होता है क्वेश्चन हमें कहता है कि एंट्रेंस फीस एडमिशन फीस का कुछ पार्ट कैपिटल रिसिप्ट होगा, क्वेश्चन हमें लिख कर देता है, कहता है एंट्रेंस और एडमिशन फीस का कुछ पार्ट कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। तो जो चीज कैपिटल रिसिप्ट है वो लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो उसमें दो टाइप की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ सकती है, सीधे देखेंगे। अगर दोस्तों क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब तो समझा दिया, मतलब मैं ओरली समझाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक बार समझा दूंगा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट का मतलब क्या हुआ, अगर क्वेश्चन साइलेंट, इसका मतलब है जो हमारा एंट्रेंस फीस है, जो एडमिशन फीस है, वन ऑफ द सेम थिंग है। एंट्रेंस और एडमिशन फीस क्या है, एक रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एंट्रेंस और एडमिशन फीस एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, और इसको कहां पर डालेंगे, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आएगा। ये है सर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया जो एंट्रेंस और एडमिशन फीस है, आपको कुछ अमाउंट दे रखा है एंट्रेंस और एडमिशन फीस से रिलेटेड कोई अमाउंट दे रखा है, पर ये नहीं बताया वो कैपिटल रिवेन्यू, तो आपको क्या मानोगे, इनबिल्ट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। इफ क्वेश्चन इज क्लियरली मेंशन,
क्वेश्चन इज क्लियरली मेंशन अबाउट एंट्रेंस फीस। अगर क्वेश्चन आपको क्लियरली मेंशन कर रहा है एंट्रेंस फीस के बारे में, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा? सही लिखा है, मैं दोबारा लिख रहा हूं। अगर क्वेश्चन क्लियरली मेंशन कर रहा है, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज, ऐसे लिख के आता है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज्ड, ऐसे लिखकर आता है दोस्तों। तो ऐसे केस के अंदर आप क्या करोगे, 50% को कैपिटलाइज करना है, मतलब 50% कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। 50% ऑफ एंट्रेंस फीस या 50% ऑफ एडमिशन फीस इज कैपिटलाइज्ड, ऐसे लिखकर आता है क्वेश्चन में, एडमिशन में। तो क्या करोगे, जितना भी एडमिशन या एंट्रेंस फीस का अमाउंट दे रहा है उसका 50% को कैपिटल करना है, मतलब कैपिटल रिसिप्ट माननी है, और बाकी को रिवेन्यू रिसिप्ट मानना है। तो ऐसे लिखकर आता है। तो ऐसे केस के अंदर अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला गया, साइलेंट है, तो ऐसे केस के अंदर कहां जाएगा सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। बात समझ में आ गई। और अगर क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन कर दिया अबाउट द एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, कह रहा है कुछ परसेंट पार्ट कैपिटल है, तो 50% पार्ट को तो आप कैपिटल मानेंगे, तो 50% पार्ट कहां जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट, 50% पार्ट कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी, और ये जाएगा लायबिलिटी साइड में। कहां जाएगा दोस्त, लायबिलिटी साइड में जाएगा ये। और जो रिमेनिंग 50% होगा, जो रिमेनिंग 50% होगा, वो तो फिर से कहां जाएगा, वो तो रिवेन्यू मानोगे, क्योंकि क्या कह रहा है, कह रहा है 50% ही कैपिटलाइज करना है, तो बाकी रिवेन्यू रिसिप्ट मानी जाएगी। और रिवेन्यू रिसिप्ट कहां जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये पैसा इनकम है बिजनेस के लिए, एनपीओ के लिए क्या है, ये इनकम है। तो चाहे एंट्रेंस फीस दे रखा है, चाहे एडमिशन फीस दे रखा है, तो दो ट्रीटमेंट होगी, डिपेंड करता है एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस में कुछ बातें कर रहा है, सीधे सीधे देख दिया एंट्रेंस और एडमिशन फीस और कुछ नहीं बोल रहा, तो आपको रिवेन्यू रिसिप्ट मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डिसाइड में डालेंगे, क्योंकि इनकम हमारी और ये रेगुलर नेचर की हर साल आएगी। और अगर ये कह रहा है कि 50% या 40% कुछ परसेंट पार्ट कैपिटलाइज करो, तो जितना परसेंट कह रहा है उतना वो लायबिलिटी में चले जाएगा, और जितना नहीं कह रहा उतना वो रिवेन्यू मानेंगे, मानेंगे उतने के लिए तो साइलेंट हुआ है ना। कह रहा 50% को कैपिटलाइज करो, 100% कैपिटलाइज करो, तो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज आप उसको कैपिटलाइज करेंगे और कैपिटल रिसिप्ट मान के उसको लायबिलिटी साइड में डालेंगे, और जो नहीं बोला है उसको फिर से रिवेन्यू रिसिप्ट मान के इनकम एक्सपेंडिचर के साइड में डाल। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। ये हो गया जी हमारा डन। अब ये वाला, ये इसका मतलब क्या था, एंट्रेंस और एडमिशन, जब भी कोई पर्सन एक एनजीओ का, एक एनपीओ का नया मेंबर बनता है, तो उस केस के अंदर उसको एंट्रेंस या एडमिशन फीस देना होता है। अब मेंबर में बन गया, मैं अब मेंबर बन गया, मेंबर कैसे बना, मैंने एडमिशन फीस दी, मैं मेंबर बनने के लिए फीस पे करी, अब मैं मेंबरशिप अपनी अलाइव रखना चाहता हूं, टिके रहना चाहता हूं, मैं मेंबर बना रहना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको हर साल क्या देना होगा, एक अमाउंट ऑफ पैसा देना होगा एनपीओ को, जिससे आपकी मेंबरशिप खत्म ना हो, हर साल टिकी रहे। आप जिम जाते हो, आप कहीं पर किसी चीज का मेंबरशिप लेते हो, नेटफ्लिक्स का मेंबरशिप लेते हो, तो ऐसे केस के अंदर आपको हर साल या हर अमेज़न प्राइम का नेटफ्लिक्स मेंबरशिप लो, तो आपने एक साल का लिया, तो एक साल बाद आपको फिर से मेंबरशिप फीस भरनी पड़ेगी ना, तभी तो आपकी मेंबरशिप कंटिन्यू रहेगी, तभी तो आपका वो सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू रहेगा। तो सब्सक्रिप्शन वर्ड का यूज क्या है, ये हर साल हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है अपनी मेंबरशिप को टिके रहने के लिए, कि हम अपने मेंबर बने रहे उस एनपीओ के, इसलिए हमें हर साल पे करना। तो दोनों में डिफरेंस है, एक अपनी मेंबरशिप वहां पर टिके रहने के लिए हर साल कुछ पे कर रहे हैं, और दूसरा एंट्रेंस और एडमिशन फीस मेंबर बनने के लिए पे कर रहे हैं, ये भी हर साल। अब मुझे स्कूल की बात आ जाओ, स्कूल में आप बताओ, स्कूल में आप हर महीने फीस पे करते थे, जिससे आप स्कूल के स्टूडेंट बने रहो, वो सब्सक्रिप्शन है जो हर महीने आप पे कर रहे हो। और आपने यह भी करा होगा कि जब भी आप नए स्कूल में गए, नई क्लास में गए होंगे अगले साल, तो आपने एडमिशन फीस भी पे करी होगी, तो आप नॉर्मल फीस भी पे करते हो और एडमिशन फीस भी करते हो जब भी, तो ये दोनों चीज होती है, तो दोनों ही ये क्या है, रिवेन्यू पार्ट है। पर अगर कुछ पार्ट कैपिटल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर जगह हर एनपीओ स्कूल ही है, कहीं का ऐसा भी होता है कि भाई हम एक ही बार आपका लेंगे पैसा और उसके बाद फिर कभी नहीं लेंगे, क्या लेट सपोज एंट्रेंस फीस हम एक ही बार लेंगे, चार्ज करेंगे, उसके बाद आपको नहीं, उसके बाद आप रिन्यूअल कराओगे अपनी मेंबरशिप कुछ अमाउंट ऑफ पे करके हर साल, बस एंट्रेंस फीस एडमिशन फीस एक ही बार होगा, तब वो पूरा कैपिटलाइज बन जाएगा। अगर एक बार है तो कैपिटलाइज, अगर बार बार हर साल लिया जा रहा है तो रिवेन्यू, राइट। पर ये क्वेश्चन हमें क्लियरली मेंशन करेगा, नहीं करेगा तो हम रिवेन्यू मानेंगे, यही ट्रीटमेंट है। अब बात कर लेते हैं कि मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए, मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए हमें हर साल कुछ अमाउंट पे करना होता है। अब तो मैं मेंबर बन गया, एंट्रेंस या एडमिशन फीस, एंट्रेंस और एडमिशन फीस देकर एनपीओ का मेंबर बन गया। अब मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए, अलाइव का मतलब कि हाँ मैं मेंबर बना रहूं, हाँ मैं उस एनपीओ का मेंबर बना रहूं, तो इसके लिए हमें हर साल कुछ अमाउंट पे करना होता है। अब जो हमारा मेंबर है, जो हम एनपीओ हो, आप मेरे मेंबर बन गए, तो मैंने आपसे बोला कि भाई हर साल आपको पे करना पड़ेगा, आपने कहा भाई क्यों पे करना पड़ेगा,
आप किसी एनपीओ के मेंबर बन रहे हैं, मतलब वो चैरिटेबल है, वो वेलफेयर करने का काम कर रहा है, तो मतलब वह मेंबर वही बनता है ना जिसके पास पैसा है। वो कहता है यार बहुत पैसा कमा लिया मैंने, अब कुछ पैसा मैं दान करना चाहता हूँ, कहाँ दान करूँ समझ नहीं आ रहा, तो किसी एनपीओ का मेंबर बन गया। तो एनपीओ का मेंबर बनने के लिए क्या होता है, मेंबर वही बनता है जो उस एनपीओ को चलाना चाहता है, तभी तो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तभी तो एनपीओ चलेगा। लेट सपोज कि आपने इस चैरिटेबल स्कूल खोला और आप उसके मेंबर हो, अब स्कूल कैसे चलेगा, आप पैसे दोगे, मेंबर ही तो उसको चलाते हैं, तो मेंबर पैसा देंगे, हर साल पैसा देंगे, तभी तो स्कूल चलेगा, तभी बच्चे आएंगे, तभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तभी टीचर को फीस भी जाएगी। टीचर थोड़ा फ्री में पढ़ा रहा है, वहां तो काम करना पड़ेगा। तो मैं भी एक चैरिटेबल स्कूल में पढ़ा हूं, और वहां पर हमारी फीस बहुत ही रेयर होती थी, बहुत ही कम होती थी, टीचर को 1-1 लाख रुपए दे रहे थे, कहां से देंगे, तो उस एनपीओ के स्कूल के जो चैरिटेबल ट्रस्टी होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो पे करते हैं। ट्रस्टी वो होते हैं जो अच्छा खासा अमाउंट पे करके बैठे होते हैं मेन पर, और मेंबर जो जुड़े हुए जो कहते हैं यार मैंने जिंदगी में बहुत पैसा कमा लिया है, अब कुछ दान करते हैं। देखो जिसके पास बहुत पैसा है ना, वही सोचता है, वो कहता है मैं दान करूंगा चाहूंगा। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा कि हम अगर हमारे पास पैसा आ गया तो हम छोटी मोटी चीजें कर सकते हैं, जैसे किसी गरीब को दे दिया आगे, पर बड़े अमाउंट में हम दान नहीं कर सकते क्योंकि इतना तो हमें भी चाहिए, हम भी बन जाते हैं, हमें भी दे दो। तो ये चीज होती है सर। तो एनपीओ के अंदर अगर आप मेंबरशिप अलाइव रखना चाहते हैं तो हाँ, एक एनपीओ एक मेंबर को दो ऑप्शन देता है, ध्यान सुनना, एक मेंबर एक एनपीओ को दो ऑप्शन देता है। कहता है पहला ऑप्शन ये है कि आप पूरी जिंदगी भर का मेंबरशिप अलाइव रहने की एक फीस है वो भर दो, और आपको हर साल पे नहीं करना पड़ेगा, जिंदगी भर का एक साथ भर दो लमसम। और कहता है अगर आप जिंदगी भर का पैसा नहीं भर सकते एक साथ, देखिए फिर से समझा रहा हूं, एक एनपीओ अपने मेंबर को कहता है, दो ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन ये है कि वंस इन अ व्हाइल भर दो। ऑप्शन नंबर वन क्या है, पूरी जिंदगी की मेंबरशिप फीस एक साथ भर दो। तो अगर आप पूरी जिंदगी की मेंबरशिप फीस एक साथ भरोगे तो इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, लाइफ मेंबरशिप फीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है कि हाँ, आप मेंबरशिप अलाइव रहने के लिए पूरी जिंदगी की फीस एक साथ भरो, बहुत पैसा उसके पास। कहता है देखो भैया एक साथ ही बताओ कितने, हम हर साल नहीं पे कर सकते। ऑप्शन नंबर टू में क्या कहता है, ऑप्शन नंबर टू में कह रहा है कि भैया देखो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप हर साल कुछ अमाउंट पे करते जाओ। ऑप्शन नंबर टू मेंबरशिप फीस एवरी ईयर। दोस्तों जब आप सीएमए बन जाओगे ना तो आप भी हमारे इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाओगे, है ना, आप जब सीएमए बन जाओगे तो आप भी हमारे इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाओगे। अब हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट के मेंबर बनने के बाद आप भी तो उस एनपीओ के, सीएमए का एनपीओ है, सीएमए इंस्टीट्यूट के एनपीओ, भले बहुत पैसा आ रहा हो पर एनपीओ है वो, और अगर आप उसके मेंबर बन रहे हो तो आपको मेंबरशिप फीस पे करनी होगी। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जब सीएम बनोगे तो आपको हर साल के कुछ 2,000-3,000 रुपए पे करने पड़ेंगे मेंबरशिप फीस अपने इंस्टीट्यूट की मेंबर बने रहने के लिए, ठीक है जी। तो मेंबरशिप फीस आपको पे करने पड़ती है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जिंदगी भर की मेंबरशिप फीस एक साथ पे कर दो, या आप हर साल धीरे धीरे करके पे कर दो, ये है, जब तक आप मेंबरशिप बने रहना चाहते हो। आप कहते हो भाई अब मैं मेंबर नहीं बनना चाहता तो मेंबरशिप कैंसिल कर दो और अपना कोई पैसा मत भरो। तो ये दो ऑप्शन किसको दिए, मेंबर को दिए कि जिंदगी भर की फीस एक साथ भर दो, जो मेंबरशिप फीस है अलाइव रहने की वो जिंदगी भर की एक साथ भर दो, या एवरी ईयर धीरे धीरे पे कर दो। अगर आप एवरी ईयर धीरे धीरे पे करते हो उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं, उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन, और आप जिंदगी भर की फीस एक साथ पे कर रहे हो उसको लाइव मेंबरशिप फीस कहते हैं। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि एक में एक साथ पे की जा रही है पूरी लाइफ की फीस और एक में धीरे धीरे पे करी जा रही है, तो दोनों एक ही है। दोनों पैसा जो जा रहा है एनपीओ को, वो जो दोनों पैसा एनपीओ के पास आ रहा है वो मेंबरशिप अलाइव रखने के लिए है। अगर आप मेरी एनपीओ के मेंबर हो तो आप मेंबरशिप अलाइव रखना चाहते हो, मतलब आप टिके रहना चाहते हो, एज अ मेंबर बने रहना चाहते हो, तो आपको फी पे करनी पड़ेगी, तो वो मेंबरशिप फीस है। अब मेंबरशिप फीस में कैटेगरी बना दी, एक साथ पे करोगे या धीरे धीरे पे करोगे। अगर एक साथ पे करोगे उसको लाइव मेंबरशिप बोला, और अगर धीरे धीरे पे करोगे उसको सब्सक्रिप्शन कहा। देखिए अगर आप लाइव मेंबरशिप फीस के बारे में बात करो तो ये क्या, अगर आप पूरी जिंदगी की फीस एडवांस में पे कर दी है ना, अभी तो भाई आप आज मेंबर बने हो, तो आज मेंबर बने हो तो एक साल का आपको ड्यू है पे करना, आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप एक साल का पे करोगे। अब आपने क्या करा भाई, आपने कहा मैं पूरे 20-30 साल का इकट्ठा पे कर रहा हूं, तो एनपीओ के पास आज का पैसा ले, एक साल का पैसा लेने का था, आप एनपीओ है ठीक है, मैं आपका मेंबर बनो, तो आप मेरे से एक साल का पैसा तो मांगोगे कि आप एक साल मेंबर बनोगे तो एक साल की फीस दो। पर अगर मैं आपको एक साल की जगह 20 साल की फीस दे देता हूँ, लाइफ की फीस दे देता हूँ पूरे 20 साल की,
तो ऐसे केस के अंदर आपको 19 साल का जो पैसा एक्स्ट्रा आया वो आपकी लायबिलिटी है या नहीं है? यस। तो जो लाइव मेंबरशिप फीस होता है वो इकट्ठा पेमेंट होता है पूरे आने वाले फ्यूचर के सालों के लिए, इसलिए एनपीओ के लिए क्या मानी जाती है? लायबिलिटी मानी जाती है। इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। ये कहा जाएगा दोस्तों, ये कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है। मैं समझा भी रहा हूं, ये क्या है? एक कैपिटल रिसिप्ट है और ये एक लायबिलिटी मानी जाती है एनपीओ के लिए, क्योंकि ये एडवांस मिल जाती है। ये जब भी एनपीओ का क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान रखिए ये बात। जबकि सब्सक्रिप्शन क्या होता है दोस्तों? एवरी ईयर आता है, हर साल आता है, इसलिए तो क्योंकि ये कंपनी, यही तो एनपीओ की असली इनकम है। एनपीओ के पास पैसा आएगा कहां से? इसी से आएगा। ये भी इनकम मानता, पर क्योंकि ये पूरे साल की इकट्ठा दे दी, इसलिए दोस्तों उसको हमने क्या माना? लायबिलिटी माना, कि भाई मेरी इस साल की इनकम इनकम है, पर मेरी 10 साल का पैसा अगर मुझे इकट्ठा मिल जाएगा तो लायबिलिटी है ना, राइट? आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपने एक महीने काम करा, एक महीने का सैलरी मिला, आपकी इनकम है, पर आपको अगर पूरे साल की सैलरी मिल जाए एक साथ, आपने काम भी नहीं किया, तो लायबिलिटी मानी जाएगी ना। एनपीओ के लिए मेंबरशिप फीस एक इनकम ही मानी जाती है, वो हमेशा से इनकम है, बट क्योंकि एक साल के लिए इकट्ठा पे करोगे, 10 साल 20 साल का पे करोगे, तो तब तो लायबिलिटी मानी जाएगी ना, भाई अभी तक तो मैंने उसके लिए काम भी नहीं करा और मेरे को इकट्ठा पैसा मिल गया, लायबिलिटी। इसलिए तो ऐसा मेंबरशिप फीस होती है हमेशा वो क्या होती है? इनकम होती है। तो एक रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट। और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आता है दोस्त, क्योंकि ये इनकम होती है बिजनेस के लिए, एनपीओ के लिए एक इनकम, बिजनेस कह रहा हूं, एनपीओ के लिए एक इनकम मानी जाती है। तो यहां पर दो पार्ट हो गए, सब्सक्रिप्शन और लाइव मेंबरशिप, इसका डिफरेंस क्या है उसको समझा दिया। अब बात कर लेते हैं स्पेशल रिसिप्ट की। अब बात करते हैं स्पेशल रिसिप्ट की। देखिए स्पेशल रिसिप्ट क्या होता है? जब भी कोई एनपीए की स्पेशल ओकेशन रखता है ना, जब भी कोई एनपीए की स्पेशल ओकेशन रखता है, उसके लिए अपने मेंबरों से कहता है कि अब हमने ये स्पेशल ओकेशन रखा हुआ है, इसके लिए आपको इस ओकेशन के लिए आपको अलग से कुछ पैसे पे करने हैं, उसको स्पेशल रिसिप्ट कहा एनपीओ की तरफ से, कि एनपीओ को अभी भी पैसा मिला। रिसिप्ट मतलब पैसे का मिलना। अब वो पैसे का मिलना क्या है? सिर्फ इस स्पेशल ओकेशन के लिए अलग से पैसा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल रिसिप्ट। एग्जांपल समझाता हूं। सीएमए इंस्टीट्यूट ना एक क्या करता है, ओकेशन रखता है, और ओकेशन रखता है कन्वेंशन होते हैं ना, सीएमए इंस्टीट्यूट की अलग अलग मीटिंग्स होती है, एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है, या बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम करता है। तो सीएम इंस्टीट्यूट ने देखा होगा कई सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो कई सारे वो क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट के मेंबर को बुलाते हैं जो सीएमए बन चुके होते हैं। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट को भी बुला लेते हैं कि भाई आओ हमारे साथ ये प्रोग्राम में ज्वाइन करो, है ना। तो कई सारे मेंबर को बुलाते हैं। अब बात कर लेते हैं, इंस्टीट्यूट ने एक प्रोग्राम रखा, एक मीटिंग रखी, एनुअल मीटिंग रखी, और उसमें सभी मेंबर्स को बुलाया गया, सभी मेंबर्स को बुलाया गया। अब स्पेशल ओकेशन है, एक एनुअल मीटिंग क्या है, एक स्पेशल ओकेशन है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट ने कहा भैया देखो हम एक स्पेशल ओकेशन रख रहे हैं, और इस स्पेशल ओकेशन के लिए हमारा कुछ खर्चा भी होगा। क्या खर्चा होने वाला है? कि भाई हम एक मीटिंग के लिए एक जगह बुक करनी पड़ेगी, उसका खर्चा है, फिर लंच भी होगा, उसका खर्चा है, फिर स्नैक्स भी होंगे, उसका खर्चा है, चाय पानी कॉफी सबका खर्चा है। तो इसके लिए हमारे पास टोटल इतने का बजट बन रहा है कि 1,00,000 रुपए खर्च हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ने कहा भाई हमारे जितने भी मेंबर है सब में बांटो ये खर्चा, और पर बंदा कुछ 100, 200, 300 रुपए जो भी बनता है वो मांगो, जिससे वो इकट्ठा हो जाएगा 1,00,000 रुपए, और हम उसको खर्च कर देंगे। एक एस्टिमेट खर्चा निकाला इंस्टीट्यूट ने कि भैया देखो हमारी एक एनुअल मीटिंग है, इसमें 1,00,000 रुपए का खर्च हो सकता है या 2,00,000 का खर्च हो सकता है, जिसके अंदर पर हेड, पर जो जितने भी इंस्टीट्यूट के मेंबर है सबको बोला जाएगा कि आपको पर हेड इतना पैसा देना होगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। कोई कह देगा मुझे ज्वाइन नहीं करना, कोई कहेगा हाँ मैं ज्वाइन करने को रेडी हूँ, 200-300 रुपए जो भी होंगे वो मांग लेगा। इसी तरीके से उस 200-300 का बहुत वर्थ होता है। क्या होता है? उसमें आपको कॉफी स्नैक्स खाने को मिल जाता है, मीटिंग में भी अटेंड कर ले तो आने जाने का तो अपना ही होता है, खैर, पर खाने का आपको लंच मिल जाता है, अच्छा खासा लंच मिल जाता है। तो 200-300 रुपए में आप अच्छा आसानी से अच्छा विसोल कर लेते हैं। कई बार स्टूडेंट के लिए भी रखा गया, मेंबर का तो मुझे पता नहीं, स्टूडेंट से 200 रुपए ही मांगते हैं वो, और उस 200 रुपए में भर के खाना देते हैं, मस्त, ठीक है। तो कभी आपको ऐसा मौका मिले तो जरूर जाइएगा, टाइम हो तो जाइएगा, और 200 रुपए कर देना, फिर देखना खाना कैसे मिलता है, अलग अलग वैरायटी, चिकन नहीं होगा भाई, ठीक है, पनीर तो मिल जाएगी। तो स्पेशल रिसिप्ट क्या होता है? जब भी कोई एनपीओ एक स्पेशल ओकेशन करता है तो स्पेशल ओकेशन के लिए पैसा कलेक्ट करता है अपने मेंबरों से, उसको स्पेशल रिसिप्ट कहा जाता है। अब स्पेशल रिसिप्ट जो भी आती है उससे खर्चा किया जाता है। तो कई बार ऐसा होगा कि भैया मान लो हमने 2,00,000 का एस्टिमेट बनाया था, और हमारी जो स्पेशल रिसिप्ट आई वो आ गई 2,00,000 रुपए, तो 2,00,000 रुपए आया स्पेशल रिसिप्ट, जिसमें से खर्चा भी 2,00,000 का हो गया, तो ना तो कुछ बचा ना ही कुछ हुआ, तो बात बराबर हो गई, कहानी खत्म। तो आइए इसको मैं इसको एग्जांपल समझाता हूं। सपोज कि आपके पास टोटल स्पेशल रिसिप्ट आई है 2,00,000 रुपए की, ठीक है, 2,00,000 रुपए का आपका सारे मेंबरों ने इकट्ठा करके आपको 2,00,000 रुपए जमा करा दिया। अब इसके सर 3 पॉइंट हो सकते हैं। पहला कि सर आपके पास 2,00,000 रुपए तो कलेक्ट हो गए, पहला हो जाएगा कि भैया टोटल एक्सपेंस
टोटल एक्सपेंस आपके पास हो गया 150,000 का, टोटल एक्सपेंस आपके पास कितना हो गया 150,000 का। इधर आपके पास टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, इधर आपके 200,000 रुपए का टोटल एक्सपेंस हो गया। और क्या पता ऐसा भी हो सकता है टोटल एक्सपेंस आपका 200,000 से ज्यादा हो जाए, 230,000 रुपए का टोटल एक्सपेंस हो गया। ये किस चीज का एक्सपेंस है भाई, जिस चीज के लिए आपने स्पेशल ओकेशन रखा था उसमें खर्चा हो गया कितना कितना भाई, टोटल स्पेशल रिसिप्ट आई, मेंबरों ने सारा पैसा दिया और सारा पैसा इकट्ठा करा तो 200,000 रुपए आए। ये 200,000 रुपए कैश पड़े मेरे हाथ में, मैं एनपीओ हूं, अब मुझे स्पेशल ओकेशन करना, उस पर खर्चा देखा तो 1.5 लाख का खर्चा हुआ। तो अगर आपका स्पेशल रिसिप्ट 200,000 रुपए और आपका खर्चा कम हुआ है तो जो बैलेंस बच जाएगा ना 50,000 वो कहां पर जाएगा, वो आपकी क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। तो जो बैलेंस है भाई कितना आया था, वापस नहीं करेंगे मेंबर को, 200,000 रुपए आया था टोटल, 1.5 लाख खर्च हुआ, 50,000 बच गया, एनपीओ की इनकम मानी जाएगी और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे जाएगा। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये पैसा बच गया भाई, 200,000 रुपए आया था, 200,000 खर्च हो गया, देर इज नो बैलेंस, कोई भी बैलेंस नहीं बचा तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, नो ट्रीटमेंट। समझ में आ रहा है, इस तरीके से अकाउंट ट्रीटमेंट समझा रहा हूं मैं आपको, याद रखिएगा। इसके बाद 200,000 रुपए आया और 230,000 खर्च हो गया, तो कैसे खर्च होगा, पैसे तो 2 लाख आया है, अब 30,000 कैसे एक्स्ट्रा कहां चलाए, तो 30,000 अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर से निकाल लेना, वहां पर भी तो इनकम रही होगी ना बहुत सारी अलग अलग सब किस्म की, तो वहां से कुछ पैसा निकाल लेना। समझाया, तो मतलब 200,000 रुपए आया था, 230 का खर्चा हो रहा है, तो 200,000 तो यहीं से यूटिलाइज कर लिया, बाकी 30,000 अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर से निकालोगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से निकालोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम करने के लिए मुझे डेबिट करना होगा, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कहां जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। कितना जाएगा सर, 30,000 रुपए, ये इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, जो स्पेशल रिसिप्ट आपको अगर क्वेश्चन में गिवन होगी और स्पेशल रिसिप्ट से रिलेटेड खर्चे भी गिवन होंगे, अगर खर्चे को सेटअप कर लेना, अगर देख लेना कुछ पैसा बच गया है तो क्रेडिट साइड में डाल देना, पैसा नहीं बचा तो नो ट्रीटमेंट, पैसा अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो निकाल लेना डेबिट साइड से इनकम एक्सपेंडिचर के। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल रिसिप्ट। यहां पर हो गए डन। अब बात कर लेते हैं डोनेशन की भी, जल्दी हो जाएगा ये, बस छोटे छोटे हैं डोनेशन, आज खत्म कराना, टारगेट तो यही है डोनेशन। और दोस्तों अगर आप हमारी क्लासेस बाय करना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस भी बाय कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से, हमारे कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप पे कॉल करके भी कर सकते हैं। डोनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल डोनेशन, ये तो सभी स्टूडेंट को ज्यादातर पता होगा, जिसने एक बार भी एनपीओ चैप्टर पढ़ा उसको पता होगा जनरल डोनेशन क्या होता है, और एक हो गया स्पेशल डोनेशन। अब देखिए क्या होता है, एनपीओ क्या है, एनपीओ एक एनजीओ है एक तरीके की, जो सोशल वेलफेयर का काम कर रही। अब मुझे लगता है यार मेरे इतना पैसा तो कमा ही लिया, आप कुछ डोनेशन भी देते हैं, तो मेरे को जो भी एनपीओ अच्छी लगी, जो भी एनजीओ अच्छी लगी, जो अच्छा काम कर रहा है, लेट्स सपोज मुझे जो मेरे पर्सनली अच्छा लगता है, कई बार मैंने डोनेट भी करा उस पे, और जो पर्सनली अच्छा लगता है वो ये है कि जो कुत्ते होते हैं, जो डॉग स्ट्रीक डॉग, उनके लिए भी एक एनजीओ बनी होती है, अगर उनको कुछ हो जाए या कुछ हो जाए तो बेजुबान है, उनको कुछ हो जाता है तो फिर हम क्या कहते हैं, वो जो उनके लिए एनजीओ बनी है वो उनको ठीक करते हैं, तो उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो कई वहां पर मुझे अच्छा लगता है कि वहां डोनेट कर दो। अगर आपके पास डोनेशन जरूरी नहीं है कि आप लाखों में करो, 1,000-2,000 हो रहा है तो वो भी कर दो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो ये कि डोनेशन इस तरीके का होता है, तो डोनेशन बेसिकली एनपीओ के लिए इनकम ही होती है, क्योंकि इसी से तो एनपीओ को पैसा आ रहा है, इसी से तो वो अपना खर्चा बीट कर पाएंगे, मीट कर पाएंगे जो भी है। तो डोनेशन को दो टाइप का बनाया, पहला मैं आप मेरी एनपीओ है, आप मेरे पास आते और कहते हैं कि सर मेरे को आपको डोनेट करना है, मेरे को इस पे डोनेशन देना है, तो मैंने कहा लाओ डोनेशन दे दिया, आपने मुझे 10,000 रुपए का डोनेशन दे दिया, और डोनेशन देकर कहा कि सर ये पैसा आप कहीं पर भी यूटिलाइज कर लेना, जनरली ये पैसा कहीं पर भी यूटिलाइज कर लेना, तो इस डोनेशन को मैं क्या मानूंगा, इस डोनेशन को मैं अपनी इनकम मानूंगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में डालूंगा, क्योंकि ये मैं अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू खर्च कर सकता हूं। अब एक पर्सन हो रहा है, उसने कहा कि भाई मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा एज अ डोनेशन, बट मैं बताऊंगा इस पैसे को कहां खर्च करना, स्पेशली उसने मुझे क्या कर दिया, डायरेक्शन दे दी कि जो भी मेरा डोनेशन का पैसा उसको इस जगह पर खर्च करिएगा। कहां पर बोला, उसने बोला कि भैया एक्सेसिव डॉग्स, जो भी डॉग्स, मतलब मेरी एनजीओ चल रही है डॉग्स के लिए, तो जो भी डॉग्स है उनकी जो दवाइयां है वहीं पर खर्च होना चाहिए। तो अगर किसी भी टाइप का डोनेशन जहां पर एक स्पेशल डायरेक्शन दे दी गई कि मेरे पैसा जो डोनेशन का पैसा मैं दे रहा हूं इसको इसी जगह लगाना है, तो जो एनपीओ है उसके ऊपर क्या आ जाएगी, एक लायबिलिटी आ जाएगी कि ये पैसा जो हमारे पास आया है इसका क्या करना है, इसी जगह पर खर्च करना है, तो एक लायबिलिटी आ जाएगी, इसको कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। तो अगर वो जनरल डोनेशन है कि भाई हमने डोनेशन दिया और ये नहीं बताया, ये नहीं पूछा कि किस चीज के लिए वो डोनेशन है,
अगर वो जनरल डोनेशन है, हम एक एनपीओ अपने अकॉर्डिंग खर्च कर सकता है उस पैसे को, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में डालेंगे। सिंपल सी है, अगर जनरल डोनेशन है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्या डालेंगे, क्रेडिट साइड में डालेंगे, क्योंकि हम उसको इनकम मान लेंगे और अपने अकॉर्डिंग उसको खर्च करेंगे जहां हमको जरूरत होती है। पर स्पेशल डोनेशन में क्या होता है, कंडीशन लगाई दी होती है, इसको हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक लायबिलिटी जनरेट करके देता है। भाई आप आते हो मेरे पास, कहते हो भैया सर ये पैसा लो 5,000 रुपए, और जहां मैं बोलूं उस पैसे को वहीं खर्च करिएगा, तो मेरे ऊपर लायबिलिटी आएगी ना कि अपने अकॉर्डिंग खर्च नहीं कर सकता, जहां बोलेंगे डोनेटर वहीं पर मुझे खर्च करना होगा, तो कैपिटल रिसिप्ट मानी जाती है। और ये आएगी सर लायबिलिटी साइड में, आएगी लायबिलिटी साइड में, और इसको क्या माना जाएगा, इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानी जाती है, इसको रिवेन्यू रिसिप्ट मानी जाती है, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अपने अकॉर्डिंग खर्च कर सकते हैं, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, ये है सर डोनेशन का। तो जो भी स्पेशल डोनेशन होता है वो हमेशा याद रखिएगा लायबिलिटी में आएगा, और जो जनरल डोनेशन होता है वो हमेशा याद रखिएगा रिवेन्यू रिसिप्ट, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, वो अपने अकॉर्डिंग खर्च कर सकता हूं, पर इसको अपने अकॉर्डिंग खर्च नहीं कर सकता। दिस इज दैट पार्ट ऑफ डोनेशन। तो यही दो ट्रीटमेंट रहता है। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि आपको डोनेशन का अमाउंट दे रखा और कहता है 50% को स्पेशल कैपिटलाइज करो, 50% डोनेशन कैपिटलाइज करो, 60% डोनेशन कैपिटलाइज। तो समझिएगा, अगर डोनेशन का अमाउंट आपको दे रखा है 1,00,000, कह रहा है 60% कैपिटलाइज करो, उसका मतलब 60% को कैपिटलाइज माननी, वो स्पेशल डोनेशन है, 60 को कैपिटल मान लो, बाकी 40 को रिवेन्यू मान लो, राइट। इसके बाद आता है अगला पॉइंट लेगेसी, इसको भी डन करते हैं। लेगेसी में क्या होता है, लेगेसी क्या होता है, एक बिल होती है। बिल क्या होती है, जब कोई पर्सन मर रहा होता, आपने कई बार पुरानी मूवी में देखी होगी, आपने कई बार पुरानी मूवी में देखी होगी, एक तरीके का बिल होता है, और बिल से जो पैसा डिनोट होता है उसको लेगेसी कहते हैं। पुरानी मूवी में देखा होगा कि एक बुड्ढा है, उसके पास बहुत पैसा है, वो मर रहा होता है, ठीक है, उसको अपनी बिल लिखी, अपनी इच्छा लिखी, और बिल में ये लिख दिया कि जो भी मेरा पैसा है वो अनाथ आश्रम में या अनाथ बच्चों को डोनेट कर दिया जाएगा, मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे बनने के बाद यहाँ डोनेट होते हैं। तो एक विल होती है, तो विल से कि विल के थ्रू जब पैसा डोनेट होता है उसको लेगेसी कहते हैं। विल के थ्रू जब पैसा डोनेट होता है उसको लेगेसी कहते हैं। विल के थ्रू जब पैसा डोनेट हो रहा है उसको लेगेसी कह रहे हैं। तो हो तो डोनेट ही रहा है पर विग विल के थ्रू हो रहा है, इसका इसलिए नाम अलग दे दिया। तो इसमें भी दो कैटेगरी आ गई, स्पेशल लेगेसी, जनरल लेगेसी। उसने कहा एक इंसान मरने वाला, उसने अपनी विल लिखी कि मेरा पैसा अनाथ बच्चों की पढ़ाई में ही लगाया जाए, बस। उसने मरते मरते भी जो अपना पैसा डोनेट करा विल के थ्रू, लेगेसी बोलते हैं, उस लेगेसी में भी स्पेशल डायरेक्शन दे दी, उसको स्पेशल लेगेसी कहते हैं। और एक जनरल, वो इंसान मरने वाला, उसने अपनी विल लिखी कि मेरे मरने के बाद मेरे पीछे तो कोई नहीं है, तो इसलिए इस पैसे को डोनेट कर दिया जाए, और जहां इच्छा करे एक डोनेशन की, या जहां अपने कोर्ट की इच्छा करे वहां डोनेट कर दो, या मैं बता देता हूं यहां डोनेट कर देना और किसी भी जगह इस पैसे का यूज कर लेना। इसको जर्नल लेगेसी कहा। लेगेसी इज द डोनेशन जो कि एक विल के थ्रू की जाती है। जब कोई इंसान मर रहा होता है उसने अपने विल के थ्रू डोनेट करा, उसको लेगेसी कहते हैं। कहानी वही है, जर्नल लेगेसी जो है एक रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा, और सर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आएगा। और कोई भी स्पेशल टाइप का डोनेशन, स्पेशल टाइप की लेगेसी, वो आपके पास आएगा कैपिटल रिसिप्ट, और वो लायबिलिटी साइड में आएगा। ये आपका ट्राउंड ट्रीटमेंट हो गया इन द फॉर्म ऑफ लेगेसी। यहां तक हो गया, आप 7, 8, 9, 10 बज गया, इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अगला आता है सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट मटेरियल। देखिए इसका कॉन्सेप्ट मुझे आगे पढ़ाना है, अगर आप देखो तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। यही वही कॉन्सेप्ट है, ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल, स्पोर्ट मटेरियल है, उसको हम किस तरीके से कंज्यूम करते हैं, तो हम इस वाले टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे अलग से, ठीक है जी। तो इसलिए मैं यहां पर इसको नहीं लिखवा रहा। डिस्कशन फर्दर क्लास, फर्दर क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, और अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं सेल ऑफ ओल्ड
एसेट, भाई मेरे पे एक एसेट है, मैंने उस एसेट को बेच दी, हो सकता है बेचने पे मुझे फायदा हो जाए, हो सकता है कोई भी फायदा ना हो, हो सकता है लॉस हो जाए। तो सेल ऑफ, सेल का मतलब हो गया आपने एसेट बेची, सेल ऑफ ओल्ड एसेट। एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक एसेट है दोस्त, सपोज 20 लाख की वो एसेट है। अभी एसेट मैं बेचना चाहता हूं, तो मैंने एसेट बेच दी, मैंने एसेट बेच दी 25 लाख में। 20 लाख की एसेट जब मैंने 25 लाख में बेची तो मुझे क्या हो गया, गेन हो गया, फायदा हो गया। कितने का फायदा हुआ, 5 लाख का फायदा हुआ। तो ऐसे केस के अंदर ये कहां पर जाएगा, जो फायदा हो रहा है, जो इनकम हो रहा है, आपको कहां पर जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की साइड में जाएगा, सिंपल। और अगर आपने कोई एसेट अप की है, उसको बेची है, 20 लाख की एसेट थी, 20 में बेची, तो नो ट्रीटमेंट, कोई भी फायदा नहीं हुआ, नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो गेन, तो नो ट्रीटमेंट, कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। यह भी हो सकता है कि आपने अपनी जो एसेट है वो बेच दी 18 लाख में, अब 20 लाख की एसेट थी, 18 में बेच दी, आपको लॉस हो गया, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, वो भी कितने लाख का, 2 लाख का। तो इस 2 लाख के लॉस को कहां पर दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखाएंगे। यही तो ट्रीटमेंट है इसकी, खत्म। ये कहां आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, क्योंकि फायदा है। ये कहां आएगा, इसकी नो ट्रीटमेंट, क्योंकि कोई भी फायदा कुछ नहीं हुआ, नो ट्रीटमेंट। ये कहां आएगा, लॉस आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। क्लियर, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं सेल ऑफ ओल्ड एसेट। अब आते हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। इसकी सिंपल ट्रीटमेंट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर्स को हम डायरेक्टली कह सकते हैं पीरियोडिकल्स, मतलब मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सब चीजें जो कांग्रेस से रिलेटेड आपके रेगुलर बेसिस पे यूज हो रही है, उन सबको बेचने का क्या है ट्रीटमेंट होगा। देखिए, दो ट्रीटमेंट होता है। पहला, जब आपने बाय किया था और परचेज टाइम और परचेज ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा पीरियोडिकल, परचेज के टाइम पर आपने क्या करा था, इसको खर्चा मानोगे। परचेज के टाइम पर आपने क्या करा था, इसको खर्चा मानोगे। अब आपको देखता है जो न्यूज़पेपर होते हैं वो एक दिन पढ़ते हैं, उसके बाद वो खराब हो जाते हैं। आज का न्यूज़पेपर आज के लिए काम आएगा, आज की मैगजीन आज के लिए काम आएगी, कल को नया न्यूज़पेपर आएगा, नई मैगजीन आएगी। तो ये क्या होता है, इसकी 100% डेप्रिसिएट हो जाती है पहले दिन में, एक दिन भाई, उसको भी बोल देंगे एक्सपेंस मानेंगे। और कहां पर जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। सिंपल चीज, जब मैंने न्यूज़पेपर खरीदा, मैंने मैगजीन खरीदी, मेरा खर्चा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में डालो, खर्चा है। पर फॉर सेल ऑफ न्यूज़पेपर, अब ये ओल्ड नहीं हो गया, जो मैंने नया खरीदा अब वो एक दो दिन बाद वो ओल्ड हो जाएगा। फॉर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, या मैगजीन या पीरियोडिकल एक्सेट्रा। तो अगर आप ओल्ड न्यूज़पेपर बेच रहे हो, तो भैया आप क्या करते हो, आपने एक महीने का न्यूज़पेपर इकट्ठे करे और देखा कबाड़ी वाले को बेच दिया स्क्रैप के भाव। तो अगर आप स्क्रैप के भाव बेचते हैं, तो ऐसे केस के अंदर आप, ऐसे केस के अंदर आप इसको क्या मानोगे, इनकम मानोगे, और इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो सिंपल सी चीज है यार, न्यूज़पेपर खरीदोगे खर्चा है, डेबिट साइड में आ जाएगा। न्यूज़पेपर बेचोगे पुराने हो जाएंगे, उसको बेच दोगे इकट्ठा कबाड़ के भाव, तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। सिंपल एंट्री, खत्म। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये होता है, अगर आप खरीद रहे हो तो डेबिट साइड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर डाल दो, रिवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पर खरीद रहे हो। अगर आप बेच रहे हो तो बेचकर होने वाला पैसा भी इनकम मानी जाएगी, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इधर आ जाओ, बस खत्म, सारे ट्रीटमेंट करा दी, डन। और ये भी ऑनोरियम भी अभी बता देता हूं, डन। ऑनोरियम देखिए, ऑनोरियम क्या होता है, ऑनोरियम एक टोकन पेमेंट है। ये क्या है, टोकन पेमेंट है। और ये टोकन पेमेंट हम एक ऐसे पर्सन को देते हैं
जो हमारे लिए जो सर्विस देता है, सर्विस कैसे देता है, वॉलंटरी, वॉलंटरी सर्विस देता है एनजीओ को, एनपीओ को, तो एनपीओ के बदले में क्या करता है, इसको पे कर देता है। तो एक ऐसा टोकन पेमेंट है जो किसी पर्सन को पे करता है, वो पर्सन वॉलंटरी सर्विस देता है, अपनी इच्छा से सर्विस दे रहा है एनपीओ को। लेट सपोज मैं एक टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो मुझे लगता है यार एक एनपीओ में एक ऐसा स्कूल है जहां पर गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैंने यहां पर जाकर पढ़ाने चालू कर दिया कि भाई मैं एनपीओ में पढ़ाना चालू कर दूंगा। है तो मैंने कहा कि भाई एक काम कर लेते, एक घंटा अपने टाइम पर निकाल लेता हूं और एनपीओ को जाकर पढ़ा देता हूं। मैंने भी अच्छे से करा, मैंने ये चीज अपनी इच्छा से करी। अब एनपीओ क्या करता है, कहता है भैया देखिए सर हम आपको ऐसे नहीं कहेंगे कि आप फ्री में आगे पढ़ाओ, ये नहीं, कुछ अमाउंट पे कर देता है। तो काफी लोग, काफी जने टीचर जो एनपीओ में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर आया और उस टीचर को जो पेमेंट करी जा रही है एनपीओ द्वारा, उसको ऑनरियम कहा जाता है और ये खर्चा होता है इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आएगा, कहां पर, एनपीओ के लिए। सिंपल चीज है, कोई भी पर्सन जो एक वॉलंटरी सर्विस, अपनी इच्छा से सर्विस दे रहा है एनपीओ को, और उस सर्विस के बदले में उस पर्सन को एनपीओ द्वारा पे किया जाता है, एक टोकन पेमेंट किया जाता है, इतना ज्यादा भी नहीं होता, नॉर्मल पेमेंट होता है, और उस पेमेंट को क्या कहा जाएगा, एनपीओ कहा जाएगा। इट इज एक्सपेंडिचर फॉर, इट इज एक्सपेंस इन द हैंड ऑफ एनपीओ, एनपीओ के हैंड पे एक्सपेंस है, ठीक है सर, और इट विल डेबिटेड इनटू डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। खत्म हो गई सर सारी की सारी ट्रीटमेंट और हमारी क्लास भी। तो देखिए जो चीजें तीन क्लास में होती है ना पेड में, वो चीजें यहाँ पर 45 मिनट से कम में हो जाती है, इसी को फास्ट रिवीजन कहते हैं। और रिवीजन इस तरीके से करो कि आपको समझ आए, ऐसे नहीं कि हाँ यार एक ही दिन में एनपीओ खत्म कर दूंगा सीधा क्वेश्चन। आजकल के स्टूडेंट रिवीजन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल वे है उनका रिवीजन करने का, वो कोई भी चैप्टर उठाएंगे क्वेश्चन स्टार्ट करना चालू करते हैं, उसको रिवीजन कहते हैं। जबकि रिवीजन का मतलब अलग होता है, रिवीजन का मतलब होता है हर एक कॉन्सेप्ट को एक बार रीड कर लेना, एक बार पढ़ लेना, उसको रिवीजन कहते हैं। इसलिए मैं ये फास्ट ट्रैक वैसे लेकर आ रहा हूँ कि आपका जो रिवीजन करने का तरीका है उसमें कुछ चेंजेस ला सकूं, आपको समझा सकूं कि रिवीजन किस तरीके से करी जाती है। करते हो ना ऐसी कि जब भी कोई चैप्टर का रिवीजन करना होता है सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, नहीं करते, गलत चीज है, क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना चाहिए, पहले हमें उस चैप्टर के अंदर पूरी चीजें एक बार सीरीज से पढ़नी चाहिए। अब एक स्टूडेंट को लगता है कि यार एनपीओ क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट कैसे, इनके तो मुझे आता ही है, इसको पढ़ने की, पर एक बार फिर से उसको अपने माइंड से घुमा लेनी चाहिए जिससे आपको एक चीज आ जाए, जो चीज मिस हो जाए वो आ जाए। अब देखो आपने इतने साल आपको पढ़ाया, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी चीज आपको याद हो, क्या पता कुछ चीजें मिस हो जाती है। तो रिवीजन में शुरू से चैप्टर पढ़ने पर यह फायदा होता है। तो कल को अगर कोई आप और सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हो तो इस तरीके से करो, एक बार सभी कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में अच्छे से लिख लो, तभी तो रिवीजन होती है, तभी तो वो चीज जो आपसे आपने पढ़ी होती है पेज में वो सीधा दिमाग में आती है। और वो जो स्टूडेंट मेरे खुद के पेड स्टूडेंट उनको तो बहुत बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि सेम वे ऑफ द मैनर में मैंने पेड में कराया था और सेम वे में रिवीजन करा, तो एक उनको वो बन गया होगा टच, यार यही तो पढ़ा था, यही तो पेड में ही पढ़ा था, हमने ऐसे ही पढ़ा था पेड में, तो एक टच हो जाता है जो क्लास लेता है। जो कि नहीं ली किसने क्लास, कोई दिक्कत वाली बात है, उनको भी समझ में आता है, कमेंट आप करती हुए मैं पढ़ता हूं, ठीक है। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर वीडियो बन चुकी होगी तो कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, अगर नहीं बनी होगी तो कमेंट में यहां लाकर आपको डाउट सोल्व कर दूंगा, जैसे मैंने पिछले क्लास में करा था। क्लियर हो गया सर, समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये चैप्टर का ये वाला पार्ट खत्म कर लिया, अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीओ एंड सब्सक्रिप्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्रिप्शन का क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या इसके अकाउंट कैसे बनते हैं, सब चीजें देखेंगे। इसके बाद फंड बेस अकाउंटिंग, ये भी बड़ा सिंपल टॉपिक है, जल्दी से मैं करा दूंगा, एंड देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एंड उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, होपफुल आपको क्लास समझ में आई होगी, हैव अ नाइस डे। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है, पहली बार तो नहीं होंगे, यहां तक पहुंच गए तो बहुत बार आ गए होंगे, सब्सक्राइब नहीं करा तो करके अप्रिशिएट करिए, थैंक यू।